बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ छक्का छक्का सीजन 3। और आज पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 5 में एक बड़ा मैच खेला जाना है जिसमें डिफाई चैंपियन कोटा ग्लैडिएटर टकराएंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड से उन्हीं के होम ग्राउंड पे। और अगर अभी तक की इनकी पोजीशन देखी जाए तो दोनों टीमों ने अभी तक 3 मैचेस खेले हैं, जबकि 2 मैचेस में दोनों टीमों को फतह नसीब हुई और 1 में इन्हें हार का मजा चखना पड़ा। जबकि अगर इस सीज़न का इन दोनों का 1-1 मुकाबला देखा जाए तो उसमें पहले मैच में कोटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को पिछाड़ दिया था मैदान में। और आज देखेंगे कि क्या रिजल्ट सामने आता है। इसी सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं एक यूनाइटेड के फ़ैन इम्तियाज़ भट्टी साहब, और उन्हीं के साथ कर रहे हैं कोटा के फैंस अनस जुल्फिकार। तो मैं फैज़ान की तरफ चलना चाहूँगा, और फैज़ान लेट्स स्टार्ट दिस। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अनस, मेरा आपसे सवाल है कि उमर अकमल को जब जो भी उनकी कंट्रोवर्सी हुई थी उस पर उनको PSL से निकाल दिया था, क्वेटा फैंस के लिए काफ़ी सेटबैक था, लेकिन जैसे उनकी रिप्लेसमेंट आई और फिर आज़म खान प्लेइंग 11 में आए तो उन्होंने 2 मैचेस जिताए हैं। तो आप कैसे देखते हैं कि उमर अकमल की टीम से एग्जिट और आज़म खान का परफॉर्मेंस? खैर, आज़म खान से तो मैं पहले भी खुश नहीं था कि उनकी सिलेक्शन पे सवालिया निशान थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन उनकी स्किल्स पे किसी को डाउट नहीं था, उनकी सिलेक्शन की तरह हुई उस पे डाउट था कि वो लास्ट PSL में एक मैच खेलते हैं, फिर उसके बाद पूरा डोमेस्टिक सीज़न वो नहीं खेलते, ना वो किसी फर्स्ट क्लास सीज़न में नज़र आते हैं, वो कहीं भी नज़र नहीं आते, और फिर अचानक से उनकी सिलेक्शन हो जाती है। तो आज़म खान पे तो सवाल थे, लेकिन मैं नहीं समझता कि उमर अकमल की वजह से आज़म खान को खिलाया जा रहा है। आज़म खान वैसे ही टीम का पार्ट तो होते हैं, क्योंकि इतने साल तो इग्नोर नहीं कर सकती थी टीम मैनेजमेंट। आज़म उमर अकमल के होते हुए भी आज़म खान टीम का पार्ट हो। बिल्कुल सही अनस, और इसी के साथ मैं भट्टी साहब की तरफ चलना चाहूँगा। भट्टी साहब, आपकी टीम का एक इंटीग्रल पार्ट, आपके आइकन प्लेयर जो डेल स्टेन है, वो आज अपनी सीरीज से नेशनल ड्यूटी से फारिग हो रहे हैं और वो ज्वाइन करेंगे टीम को जल्दी ही। तो क्या समझते हैं कि एक डेफिनेटली जब इतना बड़ा प्लेयर डगआउट में आएगा तो उसे टीम में तो शामिल करना पड़ेगा, तो उनको शामिल करने के लिए आपको कॉम्बिनेशन की चेंजिंग थोड़ी सी करनी पड़ेगी, आपको अपने टॉप 4 को इधर उधर करना पड़ेगा, तो क्या समझते हैं कौन से आपके इंटरनेशनल प्लेयर को बैठना पड़ेगा? अगर मेरे से पूछें तो मुझे नहीं लगता इस करंट कॉम्बिनेशन को चेंज करने की कोई ज़रूरत है, क्योंकि एक जो मैच अभी हम रिसेंटली जीते हैं लाहौर कलंदर से, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि टीम की सिनर्जी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग है और कैसे वो जेल्ड अप है। तो कोई ऐसी ज़रूरत ख़ास नहीं है स्टेन को इंक्लूड करने की 11 में, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो उनको अब आते ही बिठाएगी नहीं, दे विल गिव हिम द चांस टू अपीयर इन द 11। तो एक ओवरसीज कोई भी हटा दे, मेरा ख्याल है मनरो, क्योंकि मनरो सही जलअप नहीं कर पा रहे, और बेशक उन्होंने 150 किया, लेकिन जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टाइल ऑफ प्ले है उसमें मेरा नहीं ख्याल कि मनरो को बहुत ज़्यादा जो है इंडल्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा उसके साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। तो अगर मनरो को वो बिठा दें और रिजवान हुसैन है, सैफ बदर है, दोनों में से कोई भी खेल ले, तो पाकिस्तानी टैलेंट जो बैकअप में भी है वो भी बहुत अच्छा है, तो कोई ऐसा खास मसला नहीं होगा। बिल्कुल सही। भट्टी साहब, आपसे इसी पे एक फॉलो अप क्वेश्चन है कि अगर रिजवान हुसैन या किसी को ओपनिंग पोजीशन देंगे तो फिर बॉलिंग लाइनअप में से किसको आप निकालेंगे? बॉलिंग लाइनअप में फिर मेरा ख्याल है एक ऑलराउंडर कम करना पड़ेगा, शायद अमाद भट्ट, अब फहीम तो बैठ नहीं सकते, अमाद भट्ट को शायद रेस्ट कराएं, फिर ऑफकोर्स आप 5 पेसर्स के साथ नहीं जा सकते, वैसे जा भी सकते क्योंकि रावलपिंडी की कंडीशंस जो हैं वो बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली नहीं है, और मौसम भी यहाँ का जो है वो बाकी सारे सिटीज़ से काफ़ी डिफरेंट है इस वक्त, ऑल्दो के आहिस्ता आहिस्ता गर्मी हो रही है, लेकिन अभी भी जो कराची में हमने 26-27 देखा था, रावलपिंडी में आपको मैक्सिमम 20-21 जो है वो मिलेगा, और वो शाम के अगर मैचेस है तो वो फास्ट बॉलर्स को काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और ड्यू भी उतनी नहीं होगी जितनी लाहौर में थी। तो वैसे तो ये 5 पेसर से जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमाद भट्ट बैठेंगे और डेल स्टेडियम की जगह आएंगे। अच्छा अनस, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था कि अहमद शहजाद को हमने एक दो दिन पहले देखा, वो एक शायद तमिल मिल्स ने या कोई और बॉलर ने एक हाफ बॉली करा दी और उनको बहुत मुश्किल से पॉइंट पे डाइव मार के एक चौका रोकना पड़ा, और उसके बाद कोई 30 सेकंड उन्होंने बॉलर को सुनाया कि भाई किस तरह बॉल कर रहे हो, यहाँ पे कैसे तुम करा सकते हो, तो इनको कौन बताएगा कि ये चीफ मिनिस्टर बाद में बने और पहले इनकी जॉब जो है वो बैट से रन करके देना
रन्स कंट्रीब्यूट करके देने की है, तो ये कब रन्स करना शुरू करेंगे? एग्जैक्टली आपका सवाल काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। एम एस शहजाद को लाइमलाइट में आने का बड़ा शौक है, कोई उनके बारे में बात करे वो ज़्यादा उन्हें अच्छा लगता है, तो बस ये शोखे हो जाते हैं थोड़े, तो बस शोखे होने का एक ये था ये एक्सपेरिमेंट के उन्होंने ये इस ऐसी हरकत कर दी। उनका अपनी बैटिंग पे तो ध्यान नहीं है, लगता है अगले साल कोटा ग्लेडियर की बॉलिंग कोच के ऐसे ऐसे अगली टीम में जमा जगह बनाएंगे। चले आपने आपने सवाल किया तो आपके पास आपके ऊपर ही काउंटर अटैक करना चाहूँगा। शादाब खान की बात करते हैं जो कि आपके बड़े फेवरेट रहे हैं और आगे भी रहेंगे। शादाब खान एज अ कैप्टन पहले मैच में आते हैं नंबर 7वीं पोजीशन पे, दूसरे मैच में उनकी बारी नहीं आती, तीसरे मैच में वो आते हैं जब दो आउट हो चुके होते हैं, तो क्या शादाब खान का रोल है था बैट्समैन क्या देख रहे हैं कि वो कैप्टन है तो वो जल्दी बैटिंग पे आएंगे पहले बॉलिंग करवा लेंगे, तो क्या है शादाब खान का रोल है था बैट्समैन? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि जब दो जल्दी आउट हो गए और किसी और को भेजने के बजाय शादाब खुद आया और आके उसने 50 भी की, ऑल्दो एक दो बीच में लकी स्केप्स उनको मिले, शनवारी बींग शनवारी उन्होंने नो बॉल कर दी, लेकिन जो उनकी इंटेंशन थी जो उनका माइंडसेट था वो उन्होंने बिल्कुल सही से डिस्प्ले किया और बहुत अच्छा लगा यूनाइटेड फैंस को और मुझे भी। और मुझे लगता है कि जब अभी उनका रोल फ्लोटर का है, जब तक दो ऊपर से जल्दी आउट ही होंगे मेरा नहीं ख्याल कि वो आएंगे खेलने के लिए, लेकिन जो हालात मनरो के लग रहे हैं मेरा ख्याल है काफ़ी दफ़ा हमें ये सिचुएशन शायद देखनी पड़ेगी कि हमारे ऊपर से जल्दी दो आउट हो जाएं और फिर शादाब आ रहे हैं बैटिंग के लिए, तो इट्स गुड टू सी हिम। होपफुली जब भी उनको चांस मिले वो उसको सही से यूटिलाइज़ करें और अपनी जो बैटिंग एबिलिटी जो उनके अंदर है जो हमें नज़र आ रही थी 2017 से, जो उन्होंने खुद उनको चांसेस ऐसे नहीं मिले कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भी उसको सही से डिस्प्ले कर सकें, तो अगर वो इस PSL में उनको चांसेस ज़्यादा मिलते हैं उसको डिस्प्ले करने के, तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी इन द लॉन्गर रन ये अच्छी चीज़ है। चलें ये तो हो गया, और वैसे भी PSL में काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मैचेस हो रहे हैं। लास्ट वीकेंड पे हमने कराची में भी मैच देखा जो क्वेटा और कराची के बीच में बहुत क्लोज गया, फिर उसके बाद लाहौर और इस्लामाबाद का कुछ ज़्यादा ही क्लोज मैच चला गया जिसके बाद बहुत ज़्यादा लोग डिसअपॉइंट हुए ख़ासतौर पर लाहौर में। तो अब हम एक छोटी सी गेम इस एपिसोड में भी खेलना चाहेंगे अपने दोनों गेस्ट के साथ। इसमें होगा ये कि हम अपने गेस्ट से 5-5 सवाल पूछेंगे और फिर उसके एंड में देखते हैं कि किसके सबसे ज़्यादा करेक्ट आंसर होंगे। तो सबसे पहले मैं चलूँगा इम्तियाज़ भाई की तरफ और ये मैं 5 सवाल आपसे पूछूँगा, आपने फ़ौरन उनके जवाब देने हैं, अगर आप नहीं दे पाएंगे आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि PSL में हाईएस्ट टोटल किस टीम का है? आई थिंक इस्लामाबाद यूनाइटेड का है, 230 प्लस। जी बिल्कुल सही। अच्छा मेरा अगला सवाल ये है कि PSL में ओवरऑल एक सीज़न में किस प्लेयर के सबसे ज़्यादा रन्स हैं इन वन सीज़न अमंग ऑल फाइव? कामरान अकमल 2017? इनकरेक्ट, इट्स लूक रॉन्की। अच्छा अगला सवाल yes, है जी जी अगला क्वेश्चन 3 है कि मोस्ट डक्स किस प्लेयर ने किए हैं? मोस्ट डक्स कामरान अकमल। जी बिल्कुल सही। अगला सवाल है कि एक टीम के स्क्वाड में कितने ओवरसीज प्लेयर्स होते हैं? 6। बिल्कुल सही, मैक्सिमम 6। जी और एक आखिरी सवाल है कि PSL में इस PSL में 2020 का PSL है, सबसे ज़्यादा मैचेस किस वेन्यू में खेले जाएंगे? लाहौर। जी सही। जी तो 4 out of 5 हैं आपके और आप साथ की तरफ चलते हैं, वो अनस से पूछेंगे। अच्छा अनस अभी तक का लोएस्ट टोटल किस टीम का है? लाहौर कलंदर। एंड विच प्लेयर प्लेड मोस्ट गेम्स एज अ कैप्टन? मिसबाह लग आई गेस। रॉन्ग, इट्स योर कैप्टन सरफराज। अभी तक के PSL में सबसे ज्यादा छक्के किस प्लेयर के हैं? कामरान अकमल। और कोयटा ग्लैडिएटर से आपने लास्ट मैच में कितने वर्सेस प्लेयर्स खिलाए थे? 4 प्लेयर्स आई गेस। अनस आपको एक ब्रदराना मशवरा ये कि आप मैच देखना स्टार्ट कर दें, आपकी टीम ने 3 प्लेयर खिलाए थे लास्ट मैच में। अच्छा विच प्लेयर टुक मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल सीजन? वहाब रियाज। रॉन्ग, दैट्स हसन अली। सो भट्टी साहब जीत चुके हैं ये गेम,
तो ये आपने देखा कि इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो फ़ैन हैं इम्तियाज़ भट्टी वो जीत गए, उन्होंने 4 सही बताए थे और अनस ने सिर्फ 3 सही बताए हैं। तो आज रात भी मुकाबला होगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में और उम्मीद करते हैं काफ़ी कम्पटिटिव मैच हो और जो बेहतर खेले वही जीते। और इसी के साथ आप सबसे हम इजाज़त मांगते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग एपिसोड 8 ऑफ छक्का छक्का सीज़न 3। कीप फॉलोइंग अस एंड शेयर आवर वीडियो इफ़ यू लाइक इट। टिल देन अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।